वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। SBI ने हाल ही में जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क की भर्तियां निकाली हैं। ये तकरीबन 5,121 पदों के ऊपर भर्तियां ले रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 27 तारीख है, यानी कि कल से यह फॉर्म शुरू हो चुका है। 15 तारीख अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15/5/2021 इसकी लास्ट डेट है। और इसकी जानकारियां क्या है, इसकी डिटेल क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट। आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो आइए दोस्तों, आपको मोटा माटी जानकारी मैं आपको दे देता हूं इस एग्जाम के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि ये एग्जाम 27 तारीख को आप फिल कर सकते हैं। 27 तारीख से लेकर यानी कि 27/4/2021 से लेकर इस एग्जाम को आप फिल कर सकते हैं 15/5/2021 तक। अगले महीने की 15 तारीख तक ये फॉर्म एक्टिव रहेगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसमें आपके पैसे कितने लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि STSC, PWD और एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है, इनके लिए निल है। और जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए फीस ₹750 है। मैं आपको बता दूं, केवल STSC, PWD, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, इनके अलावा सभी की फीस लगेगी और ये फीस रहेगी ₹750। अब बात करते हैं एज के बारे में कि इसमें मिनिमम एज कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि 20 साल से लेकर 28 साल तक के जो लोग हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी एज डिसाइडिंग जो डेट है वो है 1/4/2021। कहने का मतलब यह है कि 1/4/2021 को आपको 20 साल से कम का नहीं होना है और 28 साल के ऊपर का नहीं होना है। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सभी कैटेगरीज को अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों, एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। STSC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ST या SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप 28+5 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो PWD के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल हो या EWS हो, दोनों को ही 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC की हम बात करें तो OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा PWD STSC को 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD OBC को 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर हम एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें जो ST कैटेगरी के हैं, उन्हें जितना उन्होंने सर्व किया है आर्मी में या ऐसी सर्विसेज में, उसको प्लस 8 साल का एज रिलैक्सेशन STSC को है। और जनरल की हम बात करें तो जितना उन्होंने सर्व किया है उतना और प्लस 3 साल का उन्हें रिलैक्सेशन है। इसमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन यह है कि जो एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, उन्हें 50 साल से ऊपर का नहीं होना, यानी कि बिलो 50 ईयर्स अगर उनकी एज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। आगे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको फॉर्म से रिलेटेड देना चाहूंगा। अक्सर देखा जाता है कि कैंडिडेट अपनी स्टेट को ना चुनकर किसी दूसरी स्टेट में जहां पे पोस्ट ज्यादा निकली हुई है वहां से फॉर्म भर देते हैं। देखा गया है कि गुजरात से काफी लोग फॉर्म लगाते हैं। तो इस बार मैं आपको बता दूं कि फॉर्म लगाने से पहले आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिश्चित कीजिएगा, और वो बात यह है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म लगा रहे हैं वहां की जो लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों आनी चाहिए। अगर ये तीनों आपकी आपको नहीं आती हैं तो आप ये दूसरी स्टेट से फॉर्म लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए, जब आपका पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आप प्री मेंस सभी लेवल से पास हो जाएंगे, तो उसके बाद में लास्ट में आपका ये लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये लैंग्वेज टेस्ट केवल उन्हीं लोगों का होगा जो अपनी होम स्टेट को छोड़कर दूसरी किसी स्टेट से फॉर्म लगा रहे हैं। इस टेस्ट के अंदर उन कैंडिडेट्स से जो लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर स्टेट की जहां से उन्होंने फॉर्म लगाया है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर उस लैंग्वेज से रिलेटेड टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे, यानी कि इतनी जो मेहनत आप करेंगे वो सब बेकार हो जाएगी। तो अगर आप किसी दूसरी स्टेट से फॉर्म लगा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप वो लैंग्वेज रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों सीख लें। अगर वो तीनों में से कोई भी रह गया तो आपका जो लास्ट में टेस्ट है उसमें हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। तो किसी भी दूसरी स्टेट का फॉर्म लगाने से पहले ये बात आप सुनिश्चित कर लें। अगर आप अपनी ही होम स्टेट से फॉर्म लगा रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आपका कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। ये बात आप प्रूव कैसे करेंगे कि जिस स्टेट से आप फॉर्म लगा रहे हैं वो आपकी होम स्टेट है?
तो उसके लिए आपकी 10th और 12th की मार्कशीट काम करेगी। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में स्टेट लिखी होती है, तो आपकी लोकल जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आपका नहीं होगा अगर आप अपनी होम स्टेट से फॉर्म लगाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह का होगा। इसमें दो लेवल्स होंगे, प्री और मेंस। अगर हम प्री की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के होंगे, यानी कि एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन। इसके लिए आपको केवल 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। और इसके अलावा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो 35 क्वेश्चन आपके आएंगे, और उन्हीं 35 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहले सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर शुरू हो जाता है, तो उसमें आपके 20 मिनट खत्म होते ही वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपका नेक्स्ट यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स आ जाएगी, और उसके लिए अगेन आपका 35 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा। तो आपको पेपर देते वक्त यह भी ध्यान रखना है कि आप टाइम लिमिट के अंदर ही पेपर अपना कंप्लीट कर लें। अगर आप इस प्री को पास कर देते हैं तो इसके बाद में नेक्स्ट लेवल आता है मेंस का। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आपका एक पेपर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पहले आपके 3 पेपर थे, अब आपके 4 एग्जाम्स हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला होगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि आपको बैंक से रिलेटेड ही जीके की तैयारी करनी है। आपको किसी स्टेट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। इसमें केवल आपके कमर्शियल क्वेश्चंस आएंगे, उनकी आपको तैयारी करनी है। इसके आपके पास में 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही उसके नंबर होंगे, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और इसे करने के लिए 35 मिनट मिलेंगे। इसके बाद में जनरल इंग्लिश होगा जिसके 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और 35 मिनट इसको करने का वक्त मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स आपको 50 मार्क्स की मिलेगी, 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स के अंदर आपको कर देने हैं। रीजनिंग की बात हम करें तो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, 60 नंबर के, रीजनिंग अलग है दोस्तों, 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और इसको भी करने के लिए मिलेंगे आप 45 मिनट। तो टोटल आपका जो पेपर हो गया वो हो गया 2 घंटे और 40 मिनट का। इसमें एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग का भी प्रावधान है जो केवल एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो भी एसटी एससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 3 या 4 दिन की प्री एग्जाम ट्रेनिंग SBI है वो अपनी तरफ से उसका इंतजाम करेगा। तो आपको सिर्फ वहां जाके या आपको ऑनलाइन जिस तरह से भी वो बताते हैं वैसे आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेनी है। अगर हम इसमें प्रोबेशन की बात करें तो मिनिमम आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। हालांकि अभी तक इस नोटिफिकेशन में फिक्स नहीं किया गया है कि प्रोबेशन पीरियड कितने समय का होगा, लेकिन 6 महीना मिनिमम इसमें लिखा हुआ है। इससे ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा। अगर हम सेंटर्स की बात करें तो सेंटर आप अपनी होम स्टेट में ले सकते हैं। सेंटर की लिस्ट नोटिफिकेशन के एंड में दी गई है, तो आप उस लिस्ट को जाकर देख लें और जो भी सेंटर आपको उचित लगे वो आप दे सकते हैं, उसमें भर सकते हैं। चाहे आप किसी दूसरी स्टेट से भी फॉर्म लगा रहे हैं तो भी आप सेंटर अपने मनपसंद का चूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जानकारी SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सिलेबस रिगार्डिंग कोई समस्या है या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।